2015 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग करीब 1.74 लाख इंडियंस को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन खाली 5,000 लोगों को ही डोनर मिल पाता है, जिसकी वजह से करीब 5 लाख लोगों की हर साल डेथ हो रही है। और यह तो खाली इंडिया का डाटा है, लेकिन ऐसे ही करोड़ों लोग हर साल ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से पूरे वर्ल्ड में मर रहे हैं। इसका मेजर कारण है लो ऑर्गन डोनर, लेकिन हाल ही में न्यूयॉर्क सिटी के कुछ सर्जन ने एक पिग की किडनी को इंसान में डालने का प्रयास किया है, और सर्जन ने बताया कि किडनी यूरिन प्रोड्यूस कर रहा था और किडनी 54 घंटे तक प्रॉपरली फंक्शन किया बिना किसी रिजेक्शन के। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट को किया और क्या फ्यूचर में यह ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रेवोल्यूशनाइज कर सकता है। ज़ेनो ट्रांसप्लांट यह एक फील्ड ऑफ स्टडी है जहां हम ऑर्गन की सप्लाई की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हम एनिमल के ऑर्गन को ह्यूमन में प्रयोग करते हैं, जिसके लिए सर्जन अभी रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन इस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए हमने पिग को ही क्यों चुना? अगर हम पिग और ह्यूमन को कंपेयर करते हैं तो हमें क्लियर पता लगता है कि पिग और ह्यूमन कई तरह से सिमिलर हैं। जैसे अगर हम पिग और ह्यूमन का हार्ट, पैनक्रियाज, किडनी, आई, स्किन और बॉडी मास को देखें तो यह बहुत सिमिलर है। 2017 की स्टडी से हमें यह भी पता चला है कि इंसान और पिग का डीएनए 98% तक सिमिलर है। पिग का कोई पार्ट हम पहली बार प्रयोग नहीं कर रहे, इंसानों में ऐसा बल्कि पहले भी किया गया है, जैसे बायोप्रोटेस्थिक हार्ट वॉल का प्रयोग US में हर साल करीब 60,000 पेशेंट में किया जाता है। 1980 से पहले हम पिग के इंसुलिन को डायबिटीज को ठीक करने के लिए प्रयोग करते थे, और यहाँ तक कि अगर हम किसी इंसान में पिग का ब्लड को प्रयोग करें तो वह आसानी से अपनी लाइफ को जी सकता है। और आज जो हम सीटी स्कैन का प्रयोग कर रहे हैं उसे भी हमने पिग के ऊपर ही टेस्ट करके डेवलप किया था। आज हम हर सर्जरी के लिए पिग का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे कई सारे ट्रांसप्लांट को पहले भी ट्राई किया गया है, लेकिन उन सारे ट्रांसप्लांट में ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते ही वह ऑर्गन ब्लैक पड़ जाता था। आगे चलकर साइंटिस्ट को पता चला कि यह अग्रेसिव इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से है, जो एंटीबॉडीज अल्फा गर्ल की वजह से है, जिसे ह्यूमन बॉडी डिटेक्ट करते ही उस ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन हाल ही के डेवलपमेंट इन जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्रिस्पर की मदद से हमने पिग से यह शुगर मॉलिक्यूल अल्फा गर्ल को हटा दिया है, और हमने पहले इसे दूसरे एनिमल पर ट्राई किया और एनिमल पर यह टेस्ट सक्सेसफुल रहा, लेकिन हमने ऐसा कभी इंसान पर ट्राई नहीं किया था। इस सर्जरी के लिए रॉबर्ट मोंटगोमरी ने डेड ब्रेन वुमेन और जेनेटिकली इंजीनियर्ड पिग का प्रयोग किया। डॉक्टर की टीम ने पिग की किडनी को इंसान के अपर लेग के ब्लड वेसल से कनेक्ट किया और किडनी को ह्यूमन बॉडी के बाहर ही रखा ताकि डॉक्टर उसे ऑब्जर्व कर सके। डॉक्टर ने पिग थाइमस ग्लैंड को भी किडनी के साथ ह्यूमन में ट्रांसप्लांट किया ताकि ह्यूमन बॉडी से रिकॉग्नाइज कर सके और रिजेक्ट ना करे। और कुछ ही घंटों में पिग की किडनी इंसानों में यूरिन प्रोड्यूस कर रहा था और करीब 54 घंटे तक किडनी सही से काम कर सका। मे बी हम एक दिन ऑर्गन को स्क्रैच से डेवलप कर पाए या हम किसी रोबोट को एक ऑर्गन की तरह प्रयोग कर सकें। तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फ्यूचर वीडियो के लिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक एंड शेयर करें इस वीडियो को। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए बाय बाय।